माय यूट्यूब चैनल। आज मैं थोड़ा अलग ही वीडियो छोड़ूंगा, तो ये होगा रिव्यू ब्लॉग एंटॉक के लिए जो मॉडिफाई किया है मेरा दोस्त एंटॉक स्कूटी। सो गाइस इधर ही है ये एंटॉक क्या मॉडिफाई किया है, असम का है A01। गाइस इसका हेडलाइट देखिए गाइस, मजा है पूरा। क्या मॉडिफिकेशन किया है इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं इसका ऑनर को मिलाना चाहता हूँ। ये है ऑनर, पहले आपका इंट्रोड्यूस करिए आप। हाय गाइस, माय नेम इज मोहम्मद अफ्ताह अली और मैं साकिब का दोस्त हूँ, इसलिए उसको थोड़ा सा ब्लॉग बनाने दिया मेरे गाड़ी का। सिंपल मॉडिफाई है, सोनापुर से लिया है और गुवाहाटी से लिया है, सोनापुर में मॉडिफाई किया है सिंपल सा। तो मैं बोला थोड़ा इसका वीडियो बना लो। सो गाइस इसके बारे में भी जानेंगे, ये कितना कहाँ से खरीदा था गाड़ी और कितना में गिरा था और मोटिवेशन में इसका कितना पैसा गया। सो गाइस एक एक डिटेलिंग में मिलेंगे आपको इसके बारे में जानने के लिए। गाड़ी तो गाइस का मत चारिया लग रहा है गाइस, इसको इंस्टाग्राम में मैं शॉर्ट्स सुन लिया। अफ्ताह ये गाड़ी आप कब लिया था? ये गाड़ी हम फरवरी में लिया था शोरूम से। फरवरी कितना का? अभी क्या फरवरी साल कितना था? 10 तारीख को लिया था। अरे साल डेट नहीं बोला, मतलब आपका एक साल हुआ, साल होने में बाकी है। एक साल मतलब एक महीना बाकी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब ऐसे नॉर्मल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो ऐसा बनाया है। सो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो मार्ट गार्ड है गाइस क्या मस्त लग रहा है। फिर गाइस इसका जो हेडलाइट भी देखिए आप क्या मस्त। ये आपको ये पुराना वाला है ना पूरा, आप नया वाला इंस्टॉल किया है? रेपिंग उधर ये आपको कितना का गिरा था? ज्यादा नहीं, 100 रुपीस है। सो आपको ये माइलेज कितना देता है? 45। सच में पहले में कितना देता था? नया नया लिया था तब नया नया इतना अच्छा नहीं देता माइलेज, क्योंकि सर्विसिंग में होगा ना, अभी सर्विसिंग में तो माइलेज देता है, अगर रफली चलाओगे तो 35 देगा। तो आप कैसा चलाता है, रफली ना अच्छा से? हम तो रफली चलाते हैं, पता ही है तुमको, बोले रफली। हां गाइस क्या मस्त लग रहा है, 45 है। तो आप ये आपका कौन सा मॉडल है? XP। हां आपको कितना का गिरा था? 125। और आप ये गुवाहाटी से लिया था बोले ना, और मॉडिफिकेशन सोनापुर से किया है? मॉडिफिकेशन ज्यादा नहीं, 4000 में हो गया, नॉर्मल किया, इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं। सो अभी ये आपको कितना किलोमीटर चल चुका है गाइस? थोड़ा दिखाई नहीं मिल रहा, थोड़ा रुकिए मैं दिखा रहा हूं आपको। 17,235 एक साल होने में बाकी है। सो गाइस आप देख सकते हैं गाड़ी तो बहुत ही चला है। और आप ये गाड़ी लेके आप कहाँ कहाँ गया, आपको ट्रिप थोड़ा बताएंगे क्या? अब मैं चल गया पूरा मेघालय घूमा, शिलोंग का जितना एरिया हर जगह घूम चुका हूँ, खाली अभी बाहर लेके जाना बाकी है इसका। आप कहाँ, आपका जा रहा है बस, प्लानिंग है? प्लानिंग तो है लेकिन पार्टनर नहीं है ना ब्रो। सो आपने ये एंटो की क्यों चूज किया? मम्मी बाइक तो लेने नहीं देगा, एंटॉक लिया काम आता है और ये बाइक का फील होता है, इसलिए एंटॉक लिया, दूसरा भी स्कूटी ले सकता था। सो गाइस आपको तो बताया कि मेरा एक्टिवा है, तो मैं इसको पूछने वाला हूँ एक्टिवा क्यों नहीं लिया। सो आपने एक्टिवा क्यों नहीं लिया? एक्टिवा लेकर के ना बाइक वाला फील नहीं आएगा, ये ले लो ना तो बाइक का फील देता है तुमको, पता है? लेकिन एक्टिवा तो माइलेज अच्छा देता है। माइलेज नहीं फिकर है हम लोग, माइलेज का मतलब नहीं है, अपना खाली स्पीड देखता है। स्पीड देखता है, अच्छा लगता नहीं क्या? रेस दिखता है। सो आप अभी इसको कहाँ लेके जाने वाला है? अब कहाँ लेके जाने, घर लेके जाऊंगा भाई। अरे कुछ उल्टा उल्टा ट्रिप है कि नहीं है? उल्टा उल्टा ट्रिप का है, उल्टा उल्टा कोई ट्रिप ही नहीं है। उल्टा ट्रिप था आज, में मेरा फ्रेंड लोग बोला था कि वहाँ जाएगा, उम्र जाएगा एक जगह में, मम्मी जाएगा फिर कभी साथ में प्लानिंग करके सब कुछ। सो गाइस मेरा भी शायद ये साल में एंटॉक आने वाला है, तो आप उनको सब्सक्राइब करिए। मैं भी कौन सा मॉडल लूँगा आपको वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि मैं कौन सा लूँगा। सो आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए, आगे में भी आपको बहुत सारा रिव्यू मतलब रिव्यू ब्लॉग्स मिलने वाला है। सो गाइस आप सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को। अभी आफ्ताब जी आपको एक गाड़ी का साउंड सुनाएगा, सो आफ्ताब चालू कर दीजिए। क्या मस्त साउंड आ रहा है इधर से, आप देख सकते हैं सुन सकते हैं, मतलब अभी देख
स्कूटी का नहीं होगा, ठीक है देखना आ रहा है यार। हाँ बोल दे दे, देख रहा है हाँ। देखना इसका टॉप स्पीड, इसका टॉप स्पीड कितना है ऐसा तो 106 था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो। ये तो रनिंग में नहीं था, अब रनिंग में इसको कितने स्पीड में चलाया था? अब रनिंग में हम चला 110 से पहले, अभी तो हाईएस्ट 102 जाता है, ये देखो दिखाता हूं मेरे पास। इतना इतना कम क्यों, क्या मतलब इतना कम? पहले मैं 110 जाता था, अभी 102। इधर में प्रूफ रखा है 110 का, ये देखो देखिएगा 110 है मेरा टॉप स्पीड, 110 इसका टॉप स्पीड आ रहा है, क्या दबाया होगा। और ये तो रफ राइड करते है, पूरा ट्रक का नीचे नीचे घुमा देता है, लेकिन सो गाइस ये मजाक कर रहा है हम लोग, थोड़ा इसको इसको फनी वे में लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही मजे के फ्रेंड है। आप तो मेरा ब्लॉग प्ले में देखा ही होगा। सो गाइस क्या मस्त गरी बनाया है मोटिफिकेशन, इधर मुझे तो दिल आ गया ये मोटिफिकेशन पे। गाइस इसका जो लाइट जो लग रहा है ना गाइस, एकदम बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और इसका जो इंडिकेशन है आप देख सकते हो गाइस, ये किसका आंख है रे? ये लायन का आग बोल रहे हैं मुझे, लायन देखिएगा पीछे, लायन देखिए। सो गाइस पीछे में भी दिखता है, पीछे में तो पीछे में भी सेम कार दिया है इधर, शेर है यहाँ। और गाइस मुझे ना एंटोक में सबसे खास बात क्या लगता है, नंबर वन में इसका लुक ना, इसका हाँ। लुक बहुत मस्त है, लुक भाई साहब। और नंबर टू में आता है इसका साउंड जो गाइस मेरा दिल आ गया था, मेरा पास एक्टिवा है लेकिन भाई इसका साउंड और एक्टिवा का साउंड कॉम्पेरिजन ही नहीं, एक्टिवा मतलब ये जो है मेरा फेवरेट है, मैं लेने वाला हूँ, मैं कब लूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत चलाने वाला है। कॉर्नरिंग भी अच्छा है, कॉर्नरिंग ना ये स्कूटी से कॉर्नरिंग भी मार सकते हैं। अब तो बहुत गाड़ी के बारे में हो चुका है बात, तो आप इसका अच्छा बात आपको क्या अच्छा लगा सबसे एंटोक में आपका? अच्छा ये लगा कि इसका स्पीड अच्छा है, भगाने में भी अच्छा है, मतलब बैंडिंग भी अच्छा होता है इससे हर स्कूटी से। और इसका ये खास बात ये क्या है पता है कि दूसरा स्कूटी तुम चलाओ 80-90 क्रॉस करने का तुम्हारा स्टीयरिंग कांपेगा, इसका तुम 100 पार होने के बाद भी ना स्टीयरिंग एकदम स्मूथ रहेगा, मतलब कोई गिरने का डर नहीं, ठीक है। फिर और खराब बात यह है कि माइलेज अच्छा नहीं है ना, भगाने पे माइलेज ठीक नहीं देता है। और क्या इसका ब्रेक का प्रॉब्लम जल्दी होता है, ब्रेक का ब्रेक शू खत्म होता है, कि ब्रेक ले लेके बात है, ब्रेक शू चेंज करो, फिर इसका क्या क्या एक दो प्रॉब्लम जल्दी आ जाता है वो बात है। इसका मेंटेनेंस कैसा है? तो ठीक ही है भाई, तुम्हारा चलाने का ऊपर है, तुम चलाओगे जैसा वैसा मेंटेन देगा तुमको। और इसका सर्विस कैसा करके देते हो लोग, सर्विस का कैसा है सर्विस? भाई तुम जब भी जाओगे ना तुमको 1200 का ऊपर बिल बना के लाएगा ये, वो लोग अच्छा से सर्विस देते हैं ना बुरा दे? सर्विस तो अच्छा है सर्विस सेंटर का। आप ऐसा कहाँ से सर्विस कराते हैं अपने एंटो को? खानापुरा में, बेलतोला साइड। सो गाइस इसका कुछ क्या मस्त लगा है गाइस, आप देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे के में भी बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है। सो गाइस थैंक यू, और आफ्ताब थैंक यू आने के लिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो गाइस साकीतुल ब्रो का चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, थैंक यू, ये हमारा भाई को आगे पहुंचाएं।